हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा टावर वगैरह में इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का अगर मैसेज आ जाता है दोस्तों, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे नीचे से। तो बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल तुरंत उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कभी ब्लॉक सेक्शन में या कभी भी किसी कारणवश आपका इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का मैसेज आता है दोस्तों डिस्प्ले पे, तो इसको आसानी से आप रेक्टिफायर कर सकते हैं। ये दोस्तों डिजी सेट है, देखिए ये डिजी सेट है। यहाँ पर दोस्तों आना है और यहाँ पे एक 440 का पैनल लगा हुआ है दोस्तों, देखिए डेंजर 440 का पैनल लगा हुआ है, 440 वोल्ट का ये पैनल लगा हुआ है। और इसको ओपन करना है दोस्तों, ओपन करने के बाद देखिए हम इसको ओपन करेंगे। आप यहाँ से चाबी दे करके इसको आप खोल करके नीचे और ये ऊपर दोनों साइड से लॉक को खोल करके आप इसको ओपन करेंगे। देखिए मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गया मेरा। अब इसमें मेरा एक वायर है, इस वायर को हम इसको आसानी से इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद दोस्तों हमारा गाड़ी जो है ये जो इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का जो मैसेज डिस्प्ले पे आता है दोस्तों वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं सेक्शनल स्पीड के माध्यम से। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, उसको बताने से पहले, अगर आपका लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं किसी कारणवश आपका यहाँ से सप्लाई यहाँ तक, देखिए अगर इस बोर्ड में पहले देखना है, इसको अगर MCB अगर नीचे ये गिरा रहेगा इस तरह से, तो आपका इस बोर्ड में सप्लाई नहीं जाएगा, आपका फ्लिपिंग प्लेटफॉर्म काम नहीं करेगा। तो इसको ऊपर करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद किसी कारणवश अगर ये दबा हुआ रहेगा, ये इमरजेंसी कट ऑफ देखिए अभी दब गया, ये काम नहीं करेगा। अब इसको हम रिलीज करेंगे, देखिए रिलीज हो गया और इसमें देखेगा जब सप्लाई जाएगा तो इसमें पूरा में लाइट जलेगा, इंडिकेशन देगा आपका, ठीक है। अगर इंडिकेशन इसमें दे रहा है तो यानी कि हमारा इसमें लाइन आ रहा है इस पैनल में। उसके बाद गर्मी के मौसम में दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि आप ज़्यादातर काम करेंगे एक घंटा डेढ़ घंटा या आधा घंटा, तो क्या होता है कि ये MCB जो है ना ये गिर जाता है इस तरह से, ये या ये 4 MCB लगे हुए हैं। ज़्यादातर ये नहीं गिरता है, ये भी नहीं गिरेगा आपका, ज़्यादातर आपको गिरने का चांस रहेगा ये और ये दोनों MCB ज़्यादातर गिरता है। तो MCB जब आप उठाइएगा दोस्तों, तो इस पर जो है ना MCB ये आप उठाइएगा तुरंत आपको ऐसे फेंक देगा, उठाइएगा ऐसे कर देगा। तो घबराने की बात नहीं है, इसको कम से कम एक दो मिनट इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार करने के बाद क्योंकि ये MCB ना हीट हो जाता है, तो हीट होने के बाद तुरंत आप उठाइएगा इस तरह से और इस तरह तुरंत गिर जाएगा। तो कुछ समय बाद इसको जो है ना आप इसको एक दो मिनट तीन मिनट चार मिनट रुकने के बाद इसको उठाइएगा, तो ये प्रॉपर भी आपका काम करना स्टार्ट करेगा, तो आप प्लेटफॉर्म आपका चलना स्टार्ट करेगा ऊपर से रिमोट से, ठीक है। ये लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म का ये समस्या हो गया। अगर आपका इमरजेंसी कट ऑफ स्विच आता है, इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का मैसेज आता है दोस्तों, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, सिर्फ एक वायर दोस्तों निकलना, देखिए ऊपर में कहीं नहीं वायर रहेगा, ये पैनल भी नहीं रहेगा, और सबसे नीचे में आना है दोस्तों। देखिए सबसे नीचे में हम इधर से स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में देखिए दोस्तों 1736 वायर नंबर है, देखिए 1736 वायर नंबर है, ये देखिए 1736, ये वायर को दोस्तों निकाल देना यहाँ पुश करके, तो आपका जो इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का जो मैसेज आ रहा है दोस्तों ये बिल्कुल हट जाएगा और आसानी से आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगर आपके पास फ्लायर नहीं रहेगा तो इमरजेंसी में यहाँ से इसको कट करके आप उसको हटा सकते हैं, यहाँ से कट कर दीजिए, हटा दीजिए इमरजेंसी में, या एक कोई पेचकस से इसको दबा करके इसको खींच सकते हैं। और फिर आपका जब टावर वैगन सेट में जब आएगा दोस्तों, तब इसको फिर लगा देना है। उसके बाद देखना है चेकअप कि आपका जो इमरजेंसी कट ऑफ स्विच जो है वो ऊपर से दबा हुआ है या कहीं पे, तो उसको सही करके फिर इसको वायर को प्रॉपर वे लगा देना दोस्तों। ये दोस्तों है इमरजेंसी के, ये पर्पस सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं इमरजेंसी कट ऑफ स्विच का जो लगा हुआ है। 5 टोटल लगे हुए हैं, टोटल 3 ऊपर में है दोस्तों और 2 नीचे में है, कैप 1 में 1, कैप 2 में 1।
टोटल इमरजेंसी कट ऑफ स्विच टोटल 5 है, 3 ऊपर में लगे हुए हैं और 2 नीचे में, एक कैफ 1 में, एक कैफ 2 में। आपको मालूम भी होना चाहिए कितने इमरजेंसी कट ऑफ स्विच है, अगर कोई पूछ दे। टोटल 5 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको रेक्टिफायर कहाँ से करना है, तो यहाँ से करना है, ठीक है। ये हो गया, ये अभी करेंटली इस इमरजेंसी कट ऑफ स्विच के कारण दोस्तों 1 घंटा गाड़ी पिटा गया। तो इसको आपको, इसलिए मैंने फिर से मैंने ये वीडियो में बनाया हूँ कि ये ऐसा ना हो कि ये आपका प्रॉब्लम आए और आपको मालूम ना हो, तो आप फिर, क्योंकि OHE चार्ज रहता है तो आप ऊपर में जा करके इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, लेकिन आपको नीचे से बाईपास करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कैसे करना है, ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ से भी कर सकते हैं और कैफ 1 से भी, रिले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जगह से, लेकिन ये बिल्कुल आसानी होगा, यहाँ से आकर के तुरंत कर दीजिएगा, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।